जिला सदर जफरुल्ला राम सेठ पर तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हजरात यहाँ आए हुए मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। 10 साल के अरसे के बाद कि हमें दोबारा हम इस दिन का बेसब्री से 2018 के बाद हुकूमत थी ना हुकूमत में हमारी आवाज थी होते थे बाहर से भेजे हुए अफसर हमारे मुस्तकबिल का फैसला करते थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया विधायक जारी कि 30 सितंबर से पहले पहले वो मुकम्मल किए जाने चाहिए। हम इस दूर दराज इलाके में आए हैं और अपने तंजीम का जो मैनिफेस्टो है आपके सामने रखने के लिए। सबसे बड़ी खासियत ये है फर्ज भी बनता है और वोट मांग वो उम्मीदवार बन और देखे कि लोग उनको पसंद। अगर आप देखो तो जम्मू कश्मीर में बीच है एक हम हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखते हैं परस्ती जो फिरका परस्ती सियासत नहीं छोड़ने की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर को डालने की बात करते हैं दूसरे तरफ से वो बीजेपी की मदद करने के लिए वोट तकसीम करने के लिए वोट। अब यहां से कुछ लोग देंगे अपना झंडा दिखाएंगे इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है ना इनकी कोई उम्मीद है। अगर आए तो कमजोर करने के लिए आपके वोटों को तस्वीर तबाही और बर्बादी की तरफ ढकेलने के लिए। आपने जब कभी बाकी रियासतों में कैबिन का तरीका देखा हो जिनकी बात करते हैं कहते हैं डबल इंजन पे अगर सिंगल इंजन लगे तो कम रफ्तार हो जाए तो रफ्तार गाड़ी की तेज होती है कि अगर वजीर आजम उनका जो है उस रियासत में बहुत तेजी से होगी। मैं हमने पिछले 10 साल से उनका डबल इंजन सरकार 14 के बाद किसी ना किसी रूप में बीजेपी में नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम तो रहे शुरू में अल्लाह मगफरत करे उन्हें मर्जी से वजीर आला बने उसके बाद मुफ्ती साहिबा भी थी उसके बाद जब उनका काम राजभवन के जरिए उन्होंने अपने नुमाइंदे भेजे चाहे इसी सूरत में चाहे आज जो हमारे लेकिन है वो बीजेपी के ही नुमाइंदे काम उनका इशारों पे होता है। दिल्ली से हिदायत आती है कि हमें 10 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए और सच्चाई ये है एक डबल पैसा भी फायदा नहीं हुआ है। ऐसी बातें खालिद साहब ने अपनी तकरीर में 35A के हवाले से चुका है उसके हवाले से मियां साहब ने हकीकत यह है कि वो लड़ाई हमने लड़ ली है वो सच्चाई ये भी है कि उस लड़के रोजमर्रा के मसलों को भूल नहीं सकते जिसका जिक्र खालिद सोहरावर्दी साहब का है वो लंबी लड़ाई है उसको लड़ने लेकिन उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमारा फर्ज ये भी निशानियां हैं आपके जो मुश्किलात हैं चाहे वो महंगाई को लेके हो तालीम को लेके हो पाषण को लेके हो इन सब चीजों का भी हमें हल दे और इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर एक मुद्दे पे बात नहीं की हम लोगों से सिर्फ ये नहीं कह वोट करो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमने पहनती हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रियासत का दर्जा वापस हासिल करें कि पिछले लगातार 10 साल हुई है जो जम्मू के साथ नाइंसाफी हुई है ये चुनाव के साथ नाइंसाफी हुई है। मुझे एक भी शख्स ऐसा नहीं मिला जो हर कोई किसी ना किसी मामले में परेशान है हमारा रोजगार हमें कहीं नजर नहीं आता जो बड़े बड़े वादे हुए थे 5 अगस्त 2019 नई फैक्ट्रियां लगेंगी नए प्रोजेक्ट आएंगे वो तमाम वादे जो है वो खोखले साबित हुए की उम्मीद थी वहां पे भी आपको रोजगार नहीं मिला। मंसूर में यहाँ के नौजवानों के साथ कुछ वादे किए हैं एक ऐसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम कम सारी नौकरी लगाने का काम शुरू करेंगे। आपको याद होगा हम डीजी भर्ती किया करते थे
वहाँ कैंप लगता था, वहीं पर डीजी साहब मौके पर दस्तखत करके नौजवान पिछले 10 साल से ये सिलसिला रुका। अपने मंशूर में यहाँ नौजवानों से वादा किया है हम दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी भर्ती का सिलसिला कम अज कम उस तरफ भी आप लोगों के लिए बुला। लेकिन यहाँ प्रोजेक्टों की बात की, मैं अल्ताफ साहब ने भी बात की, और ये हम लोगों के साथ साढ़ हमारे दरियाए हमारी हमारा रहा नहीं। ये लोग छोटे ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, इनको पढ़े लिखे हैं, अगर मजदूर भी लाने होते हैं हमारा इन प्रोजेक्टों में कोई लगता नहीं है। हम कि इन प्रोजेक्ट में चाहे वो सड़क प्रोजेक्ट हो, इसमें सबसे पहले अगर रोजगार होगा मत करो ना, तो मुझे याद नहीं रहता, मुझे बोलना पड़ा। इसी तरह हम जब एक एक्ट के तहत हमारे गुजर भाइयों को इन जंगलों की पहले आपको मिल जाना चाहिए था, इन बीजेस राइट एक्ट के तहत जो हक मिलना चाहिए था, तो मैं आपसे वादा किया है कि हमारी हुकूमत आई तो हक है, इंशाल्लाह वो हक हम आपके हवाले करेंगे। पता नहीं आपको याद है या नहीं, मुझे अच्छी तरह से याद है, टीम था जिसके तहत उन्होंने गैस के चूल्हे बांधे, खाना मत बनाओ आप लोग, गोबर जला के खाता हूँ, आप गैस के चूल्हे पे खाना बनाओ। लेकिन उस वक्त ये बताने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना जरूरी पड़ता है, हर महीने उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। नदी घर है जिनको ये चूल्हा तो मिला, लेकिन उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मत किया है कि उसको 12 गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शुरू कर, ताकि महंगाई का जो आपके ऊपर दबाव है तो क्या फायदा ना, अगर पकाने के लिए राशन ना हो। बीजेपी वालों ने हमारे साथ सख्त नाइंसाफी की, हुकूमत का याद है जहां हम राशन कार्ड के जरिए हम आपको मिट्टी का तेल होता था कि कम से कम उस तेल पे आपका गुजारा होता था, राशन कार्ड से ना आपको चीनी मिलती है, तेल उन्होंने 5 किलो पे उतार के हमें ऐसे ही 5 किलो महीना हमने अपने मंशूर में वादा आपको रखेंगे, और इंशाल्लाह चूड़े के ऊपर दोबारा राशन कार्ड के जरिए मिट्टी हम बढ़ा देंगे ताकि आप राशन कार्ड के होंगे। शिकायतें सुन सुन के हम परेशान हुए, यहाँ दरियाओं पर प्रोजेक्ट है लेकिन उस बिजली पर हमारा कोई हक नहीं, नाम याद नहीं आ रहा। रतले ने राजस्थान को देने का वादा किया है और हमारे घर में लाइट नहीं कट, लेकिन बिजली का बिल जो है, और बिजली का बिल जहां हमारे 300 रुपए से ज्यादा नहीं, आज 50 रुपए महीना बिजली का बिल जो है उससे कम नहीं आता, से वादा किया है कि इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आई बिजली प्रदान करना शुरू करेंगे ताकि उसको हम दूर कर पाए। मैंने शुरू, लेकिन रोजगार हासिल करने के लिए विरासत में बाबा मुझ तालीम दी थी, स्कूल से लेके आहिस्ता आहिस्ता उसको तहस नहस किया, आज मुझ तालीम हमने अपने नौजवान भाइयों से बहनों से किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो लेके यूनिवर्सिटी तक मुझ तालीम प्रदान करना शुरू करेंगे, मुकाबला कर पाए हमारे बच्चे भी बाकी मुल्क जम्मू कश्मीर का जो हम इसको रियासत दोबारा बनाएंगे आएंगे। ये बीजेपी वाले जो है आपने मेरी तकनीक के हवाले से, रोजगार के हवाले से, राशन के हवाले से बात मैंने जिक्र नहीं किया, आज पे हम वोट आपसे हासिल नहीं करना चाहते, हम मजहब आप लोगों को तकसीम करने की वोटों के बंटवारे का जो है हम उम्मीद नहीं रखते, हम कहते हैं कि चाहे हिल हो बोझ हो हम सब तरक्की तब के मुस्तकबिल को संभालें। इसलिए मैं आप बीजेपी को जो की जो साजिश है हमें अलाइदा करने की, महल साजिश को आप नाकामयाब करें, आप लोग भी आपको डोडा के साथ वोट डालने का मौका हासिल है, फिक्र फिक्र किया कुछ आपका इलाका कुछ इलाका बदल गया है वो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर काटना ही खा दे देते ताकि आपकी अपनी पहचान होगी, 26 में दोबारा डिलिमिटेशन का सिलसिला होगा, इंशाल्लाह का एमएलए बना आपकी हुकूमत होगी, इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूएंसी हम लाएगा ताकि और ज्यादा
आप लोग तरक्की कर पाए और आप 3 सालों के लिए आपको नुमाइंदा जो चुनना है, मैं आप यहाँ साथ मेरे साथ श्रीनगर से आज सुबह चल पड़े, सिर्फ ये गुजारिश हम कौन से उम्मीदवार है, उसके बाद आप बिना एक डबल पैसा रिश्वत आपसे लिए हुए हिचकिचाहट के आपकी नुमाइंदगी करेगा, आपके हकूक के लिए रसूल के जरिए अपनी तबीयत के जरिए किए हैं उन वादों को के साथ कि 18 अक्टूबर 18 सफल के निशान पे जनाब खालिद सोहरावर्दी साहब के हक में होगा। थोड़ा हिम्मत, थोड़ी हिम्मत करनी होगी, नारों ये सब के इससे आदमी जीता नहीं है, आदमी सिर्फ और सिर्फ बटन दबाने, इसलिए नारे वोट की दूसरी निकालेंगे, लेकिन वोट इंशाल्लाह जब आप डालोगे आपको मुझे मियां साहब को काजी जलालुद्दीन साहब की खिदमत करेंगे हम सब आप।